ये है ब्लैक होल, जिसे कायनात का मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर बड़ी आसानी से निगल लेता है। हमारी कायनात में इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिनके साइज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जितना बड़ा ब्लैक होल होगा, उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी और वो उतनी ही ज्यादा रेडिएशन खारिज करेगा। लेकिन अगर तो बहुत बड़े साइज के ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकरा जाएं, तो क्या होगा? क्या हमारी कायनात में क्यामत आ जाएगी? नासा ने हमारी कायनात में ऐसे ही दो ब्लैक होल्स को एक दूसरे से टकराते हुए देखा, जिन्होंने सभी साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आखिर उनके टकराने से क्या हुआ, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता रहता है। हमारी कायनात में हर वक्त कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, जिसे हम सही जगह, सही टाइम और सही टेलीस्कोप से ही दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लैक होल्स की, तो उन्हें देखने के लिए हमें बहुत बड़े टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक होल्स एक तो गैस और डस्ट के बादलों से घिरे होते हैं, दूसरा इन्हें देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इनसे बहुत तेज ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, जिनके जरिए हमें ब्लैक होल्स की मौजूदगी का पता चल पाता है। या फिर जब ये किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इनके गिर्द गैस की एक डिस्क बन जाती है, जो बहुत तेज रोशनी खारिज करती है, जिसके जरिए हमें किसी ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चल पाता है। लेकिन जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते हैं, तो कोई रोशनी नहीं निकलती। हम सिर्फ और सिर्फ उनसे निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को ही डिटेक्ट कर पाते हैं। 2017 में 14 इंच के टेलीस्कोप में एक कैमरे को अपग्रेड किया गया था, जिसका नाम ZTF कैमरा था। ये टेलीस्कोप कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये कैमरा कायनात में 47 स्क्वायर डिग्री की एक इमेज खींचने की सलाहियत रखता है। जब इस टेलीस्कोप से रात के अंधेरे में कायनात को स्टडी किया जा रहा था, तब इसने एक ब्लैक होल को डिटेक्ट किया। द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना की टीम के हेड निया जांग ZTF कैमरा से हासिल किए गए डेटा को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने एक ब्लैक होल को नोटिस किया। पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि ये है क्या, क्योंकि ब्लैक होल को देखना आसान नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने कई दिनों तक इसकी स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि ये एक ब्लैक होल है, और ये एक नहीं बल्कि दो ब्लैक होल हैं, जो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इसके बाद वो इन दोनों की टक्कर से पैदा होने वाली आवाज का इंतजार करने लगे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। इन दोनों ब्लैक होल से निकलने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नल जिस गैलेक्सी से आ रहे थे, वो हमसे 1.2 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। निंग चांग ने इस गैलेक्सी में एक अजीब सी लाइट के कर्व को नोटिस किया। ये कर्व दो ब्लैक होल्स की ग्रेविटी से बन रहा था। उनका कहना था कि ये दोनों ब्लैक होल्स एक्टिव हैं। ये दोनों ब्लैक होल लाइट का जो कर्व बना रहे थे, उस लाइट के बहुत ही छोटे हिस्से का पता एक्सरे टेलीस्कोप से लगाया गया, जिससे हमें पता चला कि वहाँ दो ब्लैक होल्स मौजूद हैं, और बहुत जल्द ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 100 लाइट ईयर का है, और ये दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। साइंसदान का कहना है कि जमीन से इस तरह के इवेंट्स को हम 10,000 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही देख पाएंगे। अभी हमारे पास मौका है कि हम इस कीमती इवेंट को देख पाए, और हमें पहली बार पता चलेगा कि दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से कैसे टकराते हैं, और ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिससे कोई भी रोशनी नहीं निकलेगी। यानी अगर ये टकराते हैं, तो हमें कोई रोशनी नहीं दिखाई देगी, बस हम ग्रेविटेशनल वेव्स को ही डिटेक्ट कर पाएंगे। इस ऑब्जर्वेशन को नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने कंफर्म किया। स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने वाली टीम का कहना है कि डेटा के मुताबिक इन ब्लैक होल्स का मास 10 करोड़ सन्स के बराबर है। इस वक्त तो ये एक दूसरे से 50 से 100 लाइट ईयर दूर है, लेकिन जब इन दोनों के दरमियान फासला सूर्य से प्लूटो जितना रह जाएगा, तो ये दोनों ब्लैक होल्स 100 से 300 दिनों के दरमियान एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इस वक्त ये दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से ऑर्बिट कर रहे हैं, और इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। इन दोनों के टकराने से सायरन जैसी बहुत तेज आवाज पैदा होगी, जिसे डिटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया के साइंसदान इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही वेव्स को 2015 में डिटेक्ट किया गया। उस वक्त साइंसदानों ने दो स्टेलियस ब्लैक होल्स पर नजर रखी थी, और ठीक 14 सितंबर 2015 को ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकरा गए। इनमें से एक ब्लैक होल्स का मास 30 सन्स के बराबर था, और दूसरे का मास 60 सन्स के बराबर था। टकराने से पहले इनका आखिरी ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड से भी कम वक्त का था। जब ये टकराए, तो इनसे बहुत तेज ग्रेविटेशनल वेव्स निकली, जिनको हमने जमीन पर महसूस किया। साइंसदानों ने इन वेव्स को लीगो
यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया और फिर एक साउंड मॉडल में इनकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया। अगर स्पेस में हमारी जमीन की तरह एक एटमॉस्फेयर होता तो वो आवाज कुछ इस तरह की सुनाई देती। ये आवाज आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल्स के टकराने की वीडियो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते, इसलिए साइंसदान इनके टकराने की वेव्स को ही रिकॉर्ड कर पाए। जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो खत्म नहीं होते बल्कि वो मर्ज हो जाते हैं और उनका साइज पहले से और ज्यादा बड़ा हो जाता है। हमारी कायनात का जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसका नाम TON 618 है, जिसका मास 66 अरब सन्स के बराबर है। ये बात आप जान लें कि इतने स्टार्स हमारी पूरी गैलेक्सी में नहीं है। साइंसदान का कहना है कि ये साइज इतना बड़ा है जिसमें कई गैलेक्सी आसानी से आ जाएंगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इतने बड़े साइज वाले ब्लैक होल का होना नामुमकिन है। उनका कहना है कि बड़े से बड़ा ब्लैक होल भी 50 अरब सन से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी ब्लैक होल का साइज इससे ज्यादा बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि ये ब्लैक होल दो बड़े ब्लैक होल्स के टकराने से बना होगा, जिसमें एक ब्लैक होल का साइज 40 अरब सन्स और दूसरे ब्लैक होल का साइज 26 अरब सन्स के बराबर होगा। ये ब्लैक होल जिस गैलेक्सी में मौजूद है उसका नाम होमबर्ग 58 गैलेक्सी है। साइंसदानों का कहना है कि ये ब्लैक होल दो गैलेक्सी के आपस में टकराने से बन सकता है, जिसकी वजह से दोनों गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल्स मर्ज हो गए और इतना बड़ा ब्लैक होल बन गया। ऐसे बड़े और खौफनाक ब्लैक होल बहुत कम बनते हैं, लेकिन इस तरह की गैलेक्सी का मर्ज होना इस बात की तरफ इशारा है कि फ्यूचर में हमारी गैलेक्सी किसी भी दूसरी गैलेक्सी के साथ मर्ज हो जाएगी और हमारी गैलेक्सी की तबाही का सबब बनेगी। ये ब्लैक होल हमसे 10.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। साइज में बहुत बड़ा होने के साथ साथ ये हमसे बहुत ज्यादा दूर भी है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर वहाँ से लाइट निकले तो उसे हम तक पहुँचने में 10 अरब साल लग जाएंगे। साइंसदानों को अभी कंफर्म नहीं पता कि आखिर ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया और अभी तक ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। अभी साइंसदान और भी ब्लैक होल ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ लें जिसके सामने इस ब्लैक होल का साइज भी रेत के जरिए जितना छोटा होगा। इस ब्लैक होल के साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने कितनी बड़ी कायनात बनाई। हर गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जिसके किट उस गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है। इसके अलावा साइंसदानों ने हमारी ही गैलेक्सी में कई करोड़ छोटे बड़े ब्लैक होल्स का पता लगाया है जो आवारा घूमते रहते हैं और हर वक्त एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिनकी वेव्स कभी हम तक पहुंचती है और कभी नहीं, लेकिन अल्लाह के अजीम कायनात में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दोस्तों ये थी एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।